हेलो एवरीवन, आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको आपकी ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक से ही कुछ एक्सरसाइजेज लूँगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, और आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रोफॉर्मास ड्रॉ कर बताऊँगा। आज मैं टेक्स्ट बुक से पांच एक्सरसाइजेज लूँगा, पांच मैं प्रोफॉर्मास के प्रॉब्लम्स लूँगा, और उससे मैं आज आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रोफॉर्मास रेडी कर बताऊंगा। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो अभी तक हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रोफॉर्मा में नहीं देखी है, वो आज हम देखने वाले हैं इन एक्सरसाइजेस के थ्रू। टेक्स्ट बुक का आपका जो पेज नंबर है वो 304 है, और उसमें ये पांच एक्सरसाइजेस दी हुई है एक्सरसाइज वाले पार्ट में। जो सॉल्व वाला पार्ट है मैं वो नहीं ले रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम्स हैं। ये अनसॉल्व जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें से मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं अब आपको ये एक्सरसाइजेस सॉल्व कर बताऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये आज की फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये जनरल एक्सेप्टेंस में डील करेगी। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है वो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। प्रिपेयर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ड्रॉवर शंकर, वडोदरा गुजरात। ड्रॉवी विनायक, सोमवार पेट पुणे। अमाउंट 16,000, पीरियड 3 months, डेट ऑफ बिल 6 September 2019 एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 11 September 2019। यहाँ पर ड्रॉवर दिया हुआ है, ड्रॉवी दिया हुआ है, पेई का नाम पता नहीं दिया, अमाउंट अवेलेबल है, पीरियड है, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो अब इससे एक फॉर्मेट जो बनेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले ड्रॉवर का नाम और पता, शंकर वडोदरा गुजरात, अलग अलग लाइंस में आपको उसको यूज़ करना है। डेट दी है 6 September 2019। स्टैम्प दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ बिल था 16,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो ये जो मेन पैराग्राफ है, 3 महीने का बिल था, तो 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 16,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पर अभी ये जो पैराग्राफ है इसमें एक कंटेन जो है, एक जो कंडीशन है वो आज हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगले एग्जांपल में वो कंडीशंस चेंज होगी। यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, 3 months, 3 महीने आफ्टर डेट, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। कभी कभी वो प्रॉब्लम में अगर स्पेसिफाई करता है कि ये आफ्टर डेट या आफ्टर साइट का एग्जाम्पल है। आफ्टर डेट में 3 महीने का जो कैलकुलेशन होगा वो डेट ऑफ बिल से कैलकुलेट होगा, और आफ्टर साइट अगर यहाँ पर कंडीशन वो देता है, प्रॉब्लम में वो अवेलेबल कर देखेंगे, अगर आने वाली एग्जांपल्स में हम देखेंगे, तो प्रॉब्लम में अगर वो ये इन्फॉर्मेशन देता है तो हम उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर वो स्पेसिफाई करेंगे। तो आफ्टर डेट में 3 months जो कैलकुलेट होंगे वो 6 September से कैलकुलेट होंगे, और आफ्टर साइट में वो जो कैलकुलेशन होगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट होगा। ये जो डेट ऑफ बिल है, यहाँ से 3 महीने अगर कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर डेट कहलाएगा, और आफ्टर साइट में वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 3 महीने कैलकुलेट होंगे, क्योंकि डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में 3-4 रोज़ का डिफरेंस होता है इसलिए। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉवर अपनी सिग्नेचर करेगा, एस डी शंकर, ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर अभी ये जो एज इट इज़ आपकी टेक्स्ट बुक में प्रोफॉर्मा दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आज मैंने वो जो पैराग्राफ में अमाउंट का साइन था, रा का जो साइन था, उसको भी रुपीज़ लिखा है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में उसने वैसा ही उसको स्पेसिफाई किया है। उसके बाद टू, विनायक सोमवार पेट पुणे, ये ड्रॉवी का नाम और पता है। उसके बाद एक्सेप्टेड एस डी, यहाँ पर एक्सेप्टेड एस डी दिया हुआ है, विनायक, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है 11 September 2019। तो एक्सेप्टेड डबल इन्वाइटेड कॉमास में एस डी, विनायक, ब्रैकेट में ड्रॉवी का नाम और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह से ये एक सिंपल प्रॉब्लम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो मैंने ड्रॉ किया, ये फर्स्ट एक्सरसाइज था। नाउ सेकंड भी जनरल एक्सेप्टेंस ही है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस और उसने चेंज की है। यहाँ पर ड्रॉवर का नाम दिया हुआ है दिनेश, पीआर रोड, अंधेरी वेस्ट। ड्रॉवी का नाम दिया हुआ है महेश, एलबीएस रोड, मुलुंद। पे का नाम दिया है अमित, थाने वेस्ट। अमाउंट दिया हुआ है 9,500। पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है 4 months, और अब यहाँ पर बताया है आफ्टर साइट, ये देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया, और अभी मैंने आपको बता दिया। तो आफ्टर डेट में डेट ऑफ बिल से कैलकुलेशन करते हैं उतने पीरियड का, और आफ्टर साइट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से वो कैलकुलेशन होता है। तो इस तरह से ये डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट है जो हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब जो आगे है, ये इसी से एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम ड्रॉ करेंगे। पेई का नाम भी अवेलेबल है, तो ड्रॉवर का नाम है दिनेश, पीआर रोड, अंधेरी वेस्ट। डेट दी है डेट ऑफ बिल। स्टैम्प अमाउंट है 9,500। यहाँ पर दिया हुआ है 4 months आफ्टर साइट, बी केयरफुल, यहाँ पर आफ्टर डेट कहे तो आफ्टर डेट, कुछ ना कहे तो भी आफ्टर डेट, बट अगर स्पेसिफाई करता है आफ्टर साइट तभी आफ्टर साइट लिखेंगे।
पेटू अमित थाने वेस्ट, ये पेई का नाम है, पता है, और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹9,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। एसडी दिनेश ड्रॉवर का नाम। टू महेश एलबीएस रोड मुलुंद, ये ड्रॉवी का नाम और पता है। एक्सेप्टेड वाला पार्ट वैसा ही है, एक्सेप्टेड एसडी महेश, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज 29th November 2019, एक्सेप्टेड डबल इनवाइटेड कॉमा में चाहिए। तो इस तरह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने सेकेंड जो प्रोफॉर्मा था वो रेडी किया। नाउ थर्ड जो है ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, और अब जो प्रॉब्लम उसने दिया हुआ है वो पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर अभी उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है किस तरह से दी है, कांतिलाल 343/D, पालम हाइट्स जोगेश्वरी, ये उसका एड्रेस हो गया। कांतिलाल ड्रिव मीन्स कांतिलाल ने ड्रॉ किया ए बिल, तो ड्रॉवर जो हो गया वो कांतिलाल हो गया ऑन 10 October 2019, ये डेट ऑफ बिल हो गया 10 October 2019 फॉर 63,490। तो ये जो पीरियड हो गया, ये जो अमाउंट हो गया 63,490 फॉर 45 डेज, एक्चुअल पीरियड ऑफ द बिल इज 45 डेज है। तो कांतिलाल ने एक बिल ड्रॉ किया, कांतिलाल का नाम और पता दिया है, ड्रॉवर का नाम और पता दिया है, डेट ऑफ बिल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है 63,490 फॉर 45 डेज आफ्टर डेट। अब यहाँ पर एकदम क्लियरली बोल दिया आफ्टर डेट, तो यहाँ पर कंडीशन में आफ्टर डेट ही लिखेंगे, 45 डेज आफ्टर डेट इस तरह से लिखेंगे। ऑन शांतिलाल P2 हिमालया टावर्स बारामती, तो ये जो शांतिलाल है ये ड्रॉवी है, B2 हिमालया टावर्स बारामती, ये पेई का नाम और पता है। पेबल टू प्रियंका सातारा, तो ये प्रियंका को पे किया उसने सातारा। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 13 October 2019 फॉर 60 डेज, तो ये जो बिल है उसने एक्सेप्ट किया हुआ है सिर्फ 13 October 2019 को, सिर्फ 60 दिनों के लिए। यहाँ पर 45 डेज का ये बिल बना था, तो बिल जो बना है वो 45 डेज का बना है, लेकिन क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन में उसने पीरियड बढ़ाकर एक्सेप्ट किया, 60 डेज एक्सेप्ट किया उसने। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में अगर उसने यहाँ पर पैराग्राफ में इस तरह से प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो यहाँ पर हमको पहचानना पड़ेगा कौन ड्रॉवर कौन ड्रॉवी। तो आज का जो ड्रॉवर है इस एग्जांपल का वो कांतिलाल है, उसके बाद ड्रॉवी जो है वो शांतिलाल है, और पेई जो है वो प्रियंका है सातारा। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइड इस तरह से हुआ कि 45 डेज के लिए ये बिल बना, लेकिन 60 डेज के लिए उसने एक्सेप्ट किया। डेट ऑफ बिल दिया है 10 October, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है 13 October। तो इस तरह से ये कंटेंट्स हमको लेने पड़ेंगे और इससे एक बिल प्रिपेयर करेंगे। तो वो बिल इस तरह से प्रिपेयर होगा, यहाँ पर सबसे पहले कांतिलाल 343/D पालम हाइट्स जोगेश्वरी, ये ड्रॉवर का नाम और पता हो गया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई 10 October, स्टैम्प हो गया ₹63,490, ये उस बिल का अमाउंट हो गया। 45 डेज आफ्टर डेट पे टू प्रियंका सातारा, यहाँ पर अभी यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा 45 डेज आफ्टर डेट, ये तो सीधा सीधा आफ्टर डेट वाला ही है, यहाँ पर 45 स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि बिल एक्चुअली 45 डेज का बना है सातारा। और हर ऑर्डर द सम ऑफ ₹63,490 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये जो पैराग्राफ है ये तो एज इट इज़ हो गया, इसमें आफ्टर डेट आ गया, 45 डेज आ गया, पेई का नाम पता आ गया। उसके बाद आगे यहाँ पर एसडी ड्रॉवर अपना नाम लिखेगा। टू शांतिलाल टू बी टू हिमालया टावर्स बारामती, ये नाम और पता आ गया, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी आ गया। अब यहाँ पर एक्सेप्टेड जब हम लिखेंगे तो ये डबल लाइन में जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज ओनली, बिल था 45 डेज का लेकिन अब यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन डाल रहा है, कंडीशन डाल रहा है कि ये बिल जो है ये सिर्फ 60 डेज के लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है। एसडी शांतिलाल 13 October 2019, तो इस तरह से ये शांतिलाल ने एक्सेप्ट किया, क्वालिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट किया, ये एग्जांपल नंबर थर्ड था। नाउ फोर्थ जो है अगेन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छा है, जो लैंग्वेज है उसकी वो बहुत अच्छे से समझनी है हमको। उसका कहना है राहुल साने कॉमा 86D रविवार पेट नागपुर एक्सेप्टेड द बिल, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉवी, जो ड्रॉ करेगा वो ड्रॉवर। पहले वाले प्रॉब्लम में ड्रॉवर का नाम दिया हुआ था, ड्रॉज अ बिल था, यहाँ पर सेंटेंस है एक्सेप्टेड अ बिल, तो राहुल साने जो है वो ड्रॉवी है। द बिल ड्रॉन ऑन हिम
वो बिल जो उस पर बनाया था, किसने बनाया था? पृथ्वीराज आइकॉन हाइट्स वर्धा, तो पृथ्वीराज ने बनाया था, आइकॉन हाइट्स वर्धा ने। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला वाला है एक्सेप्टेड के बाद किसने बनाया था ये नाम दिया, लेकिन उसने एक्सेप्ट कितने के लिए किया ये यहाँ पर उसने बताया है, फॉर रुपीज़ 87,000। राहुल साने ने एक्सेप्ट किया 87,000 के लिए ऑन 30 जुलाई 2019। यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन उसने दी है, द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 26 जुलाई। ड्रॉवर का नाम पता ऊपर वाले पैराग्राफ में दे दिया, कब ड्रॉ हुआ बाद में भी दिया, तो डेट ऑफ ड्रॉ जो है बिल, डेट ऑफ बिल जो है वो 26 जुलाई है, जबकि एक्सेप्ट हुआ वो 30 जुलाई को। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल इज़ फॉर रुपी 1 लाख, द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 26 जुलाई 2019 फॉर 1 लाख, तो 1 लाख के लिए बिल बना था। पृथ्वीराज आइकॉन हाइट्स वर्धा ने 1 लाख रुपए के लिए बिल बनाया 26 जुलाई को, जो राहुल साने ने एक्सेप्ट किया 87,000 के लिए। तो बिल बना था 1 लाख के लिए, बट एक्सेप्टेड द अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट का क्वालिफिकेशन डाला है 87,000 रुपीज़ के लिए, फॉर 90 डेज आफ्टर डेट, तो पीरियड ऑफ बिल दिया है 90 डेज, आफ्टर डेट बोला है तो आफ्टर डेट ही इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे दी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन को हमको पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, समझना है, और उसके बाद फिर उसको ड्रॉ करना है। तो राहुल साने जो है वो ड्रॉवी है, पृथ्वीराज जो है वो ड्रॉवर है, एक्चुअल बिल का अमाउंट जो है वो 1 लाख है, इन्फॉर्मेशन इधर उधर है, बस वो हमको ध्यान रखनी है। डेट ऑफ बिल 26 जुलाई है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 30 जुलाई है, उसके बाद अमाउंट ऑफ बिल जो है वो 1 लाख है, बट एक्सेप्ट हुआ 87 के लिए, द बिल पीरियड इज 90 डेज। तो अब इससे एक बिल ड्रॉ करते हैं, तो पृथ्वीराज आइकॉन हाइट्स वर्धा ये ड्रॉवर है, स्टैम्प 1 लाख के लिए ये बिल बना, 90 डेज का ये बिल था, 90 डेज आफ्टर डेट, पे टू मी और माय ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे कोई पेई का नाम नहीं है, ₹1 लाख ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो पृथ्वीराज कह रहा है कि 1 लाख रुपया पे करना, मैं या मैं जिसको कहूँ उसको, क्योंकि पेई का नाम नहीं दिया प्रॉब्लम में, इससे पहले वाले में नाम था पृथ्वीराज, वो SD लिखेगा, पृथ्वीराज लिखेगा। टू राहुल साने, ड्रॉवी का नाम और पता यहाँ पर रिकॉर्ड किया, और उसके बाद एक्सेप्टेड फॉर 87,000 ओनली SD राहुल साने 30 जुलाई 2019। तो इस तरह से ये फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट की। यहाँ पर सबसे मेन चीज़, इन्फॉर्मेशन बहुत इधर उधर दी हुई थी, उसको सही से समझना, प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना। तो पैराग्राफ में भी अगर इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना, एक बार प्रॉब्लम अच्छे से रीड हुआ तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इसमें यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कुछ नहीं, फॉर्मेट वैसा ही है, कंटेंट्स वही रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ इधर उधर होने की वजह से उसको सही से हमको ट्रीट करना है। अब ये आज का लास्ट एक्सरसाइज है, फिर यहाँ पर एक बिल हमको ड्रॉ करना है। यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है, ड्रॉवर का नाम अलग दिया है, करिश्मा शाह पार्टनर है, ये पार्टनर का नाम दिया है करिश्मा शाह, बट दुकान का नाम जो है वो है मेसर्स शाह एंड शाह (2C) मात्र छाया बिल्डिंग अकोला। नेक्स्ट जो है ड्रॉवी का नाम है धनश्री ट्रेडर्स बेंगलोर रोड बेलगाम, साइंड बाय जयश्री पार्टनर। तो यहाँ पर ड्रॉवी का भी बिजनेस का नाम दिया हुआ है, और जो जिस पार्टनर ने उसको एक्सेप्ट किया है उसका नाम दिया है जयश्री, साइन बाय जयश्री, शी इज़ अ पार्टनर, इस तरह से। तो ड्रॉवर का नाम दिया, ड्रॉवी का नाम दिया, पेई का नाम दिया मेसर्स जानकी ट्रेडर्स अकोला। यहाँ पर आज इस एग्जाम एक्सरसाइज में सबसे अच्छी बात यह है कि दुकान के नाम दिए हुए हैं, और उनके जो पार्टनर अगर जिन्होंने एक्सेप्ट किया तो उनके भी नाम दिए हुए हैं, तो उनको कैसे रिकॉर्ड करना ये मेनली हम स्टडी करेंगे। अमाउंट है 64,500 रुपीज़, पीरियड ऑफ बिल है 3 मंथ्स, डेट ऑफ बिल ड्रॉन है, यानी डेट ऑफ ड्रॉइंग, दैट इज़ डेट ऑफ बिल है ये एक्चुअली 12 सितंबर 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 15 सितंबर 2019। तो ये जो डिटेल्स उसने यहाँ पर दी हुई है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ये डिटेल्स को हमको अच्छे से स्टडी करना है। और अब इससे बिल किस तरह से बनेगा, तो ड्रॉवर का नाम और पता दुकान का लिखा जाएगा, तो मेसर्स शाह एंड शाह 2C मातृ छाया बिल्डिंग अकोला 12 सितंबर 2019, स्टैम्प ₹64,500। ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर अभी 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ये तो कुछ नहीं बोला तो आफ्टर डेट ही रिकॉर्ड किया, पे टू मेसर्स जानकी ट्रेडर्स, मेसर्स जानकी ट्रेडर्स दुकान का नाम है अकोला, और देयर ऑर्डर, यहाँ पर अगर दुकान होगी तो देयर ऑर्डर, बी केयरफुल, हिज हर नाम अगर है तो हिज हर यूज़ करेंगे, खुद अगर ड्रॉवर खुद अगर कह रहा है तो मी और माई ऑर्डर यूज़ करेंगे, बट अगर यहाँ पर फर्म का नाम है तो वहाँ पर देयर ऑर्डर स्पेसिफाई करेंगे, देयर ऑर्डर द सम ऑफ ₹64,500 ओनली
फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इस तरह से एसडी ड्रॉवी का नाम लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर ड्रॉवर का नाम लिखा है करिश्मा शाह, पार्टनर है वो मेसर्स शाह एंड शाह, मेसर्स शाह एंड शाह पार्टनर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको स्पेसिफाई करेंगे, तो नाम जो होगा, सिग्नेचर जो होगा वो पर्सन का ही होगा, करिश्मा शाह ये पार्टनर है और वो है पार्टनर किसका, शाहिन शाह का, तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ड्रॉवी का नाम भी जो है वो धनश्री ट्रेडर्स नाम से, बेंगलोर रोड बेलगाम, इस तरह से ये रिकॉर्ड करेंगे। एक्सेप्टेड एसडी जयश्री, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, धनश्री ट्रेडर्स की जो पार्टनर है जयश्री उसका नाम यहाँ पर लिखा, जयश्री पार्टनर धनश्री ट्रेडर्स, डेट 15 सितंबर 2019। तो लास्ट के जो दो तीन एग्जांपल्स है ये थोड़े टिपिकल नेचर के थे जिनको हमने यहाँ पर अच्छे से डील किया है। तो ये एक्सरसाइजेज आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर से आप इसको एक बार घर पे अच्छे से ड्रॉ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बार बार, तो ये फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो जाएगी। और कुछ अगर अलग तरह से वो इन्फॉर्मेशन देता है, सिंपल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, दैट इज़ जनरल क्वालिफाइड, हमने सब तरह के एक्सेप्टेंसेस देखे और बहुत वैरायटी ऑफ वेज में हमने प्रॉब्लम्स को डील किया, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस हमारे सॉल्व हो गए। तो इस तरह से ये आज के जो 5 एग्जांपल्स थे वो मैंने कंप्लीट किया। सो थैंक्स फॉर टुडे, अगले जो एक्सरसाइजेज है या एग्जांपल्स है उसमें फिर नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।